फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है द फैमिली मैन सीजन 2 ऑफिशियल ट्रेलर, मनोज वाजपेयी एंड समांथा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और सच्ची में, अगर आपने ये जो फैमिली मैन है इसका सीजन 1 नहीं देखा, मैं तो स्पेशली रिकमेंड करूंगी कि उसको पहले देखो, फिर सीजन 2। हमें तो लगता है हमें भी रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इतना टाइम हो गया है, कुछ कुछ याद है, अब स्टोरी पूरी याद नहीं आ रही है क्या है। कई बार ऐसा होता है कि ये पहले रिफ्रेशर देते हैं, छोटा सीरियल जो पहले शुरू होता है सीजन में, और फिर एक्चुअल सीरियल शुरू होता है, देखेंगे। हाँ, पर है बहुत अच्छा था, मजा बहुत आया था हमें। और अगर आपको याद नहीं है तो मैंने शेयर किया था कि मैंने शुरू किया था और मैं पूरा मतलब देखने बैठ गई थी, और हस्बैंड आए देखने, जब उनको दिखा कि ये कौन सा सीरियल है जो मैं देख रही हूँ, तो हम दोनों ने बैठ के, मतलब स्नेहासन ने वीकेंड में शुरू किया था और 2 दिन में ही हमने सारा खत्म कर दिया था। तो इतना हमें क्रेज हो गया था कि हमें पूरा देखना ही देखना है। तो चलो देखते हैं कि अब जो सीजन 2 है इसमें ऑफिशियल ट्रेलर में हमारे साथ क्या शेयर करते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से हमने इसका टीजर किया था और इन्होंने कहा भी था कि बड़ी जल्दी आने वाला है, पर कोरोना की वजह से इन्होंने डिले कर दिया और अभी तक आया नहीं है। तो अब देखते हैं कि ये कब आ रहा है, कब हमारे साथ हो सकता है शेयर करें इन्फॉर्मेशन कि क्या ये आ चुका है कि आने वाला है। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर, एंड हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट, सबके डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। श्रीकांत, जॉब बदलने में बड़ा ड्रास्टिक चेंज हुआ होगा ना? जॉब क्यों बदली? Shri Shrikant, I never see you at any activities in the office. In this new world, it's not enough to do the bare minimum. Remember, Shrikant, don't be a minimum guy. That's good, my boy. Do it. जोर से मत फूंक, पीछे से हवा निकल जाएगी। Okay, Shrikant, तुम 5 चीजें बताओ for which you are grateful to Suchetra. 5 चीजें। कभी-कभी तो मुझे लगता है ना कि मैं मुंह खोलता हूँ, झगड़ा शुरू हो जाता है। You know what? Our whole marriage is a sham. Sham? सच? Bogus. देखे, शाम को मिलेगा। नहीं, मैं अभी चेन्नई में हूँ, एक हॉस्टेज सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ। बता ना क्या हो रहा है उधर? तेरे को ना फोमो हो गया। मैं जाऊँ एकदम खुश हूँ। फोमो लोलो रोफलो और मिल ले लो। Our intel suggests there's an unexpected coalition between the ISI and the rebels. Pata karo in logon ka plan kya hai. Na ellarium sakolaga. Welcome to the hot and happening channel. Kiss raha hai roz tu phal milega kab. Hello sir, Umayal here, local police, Chennai. He's calling JK. Okay, JK sir. Just JK. Chale? JK? Mission ikni ready da nahi raha ji. I think we are under attack. Shrikant, you can become knowledgeable from others' knowledge, but you cannot become wise from others' wisdom. मुझे भी कोट आता है। कभी-कभी जीतने के लिए हारना पड़ता है। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। जो जीता वही सिकंदर इसके। June 4th. तो फ्रेंड्स, बताओ कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मजेदार था, बहुत ही अच्छा। जैसा मतलब सीजन 1 था ना, मुझे लग रहा उससे भी बेटर होगा ये सीजन 2। उसमें भी उन्होंने, मैं कहता जब हमने ट्रेलर किया था ना, तो उसमें भी ऐसे बड़े मजेदार सीन थे बच्चे के साथ, और जैसे वो गाड़ी में जा रहे हैं और वो मतलब वो मेरे को याद है अभी तक कि वो लाइट जो होती है, लाइट नहीं, वो जो क्या बोलते हैं उसको, साइड का मिरर या कुछ वो शायद होता है, या कुछ एक्सीडेंट टाइप कुछ होता है कुछ किसी के साथ, कोई बाइक में या स्कूटर पे होता है, तब वो कुछ अब जवाब सब कुछ लाई टाइप होता है और बच्चे बैठे होते हैं, तो वो मुझे सीन याद आ रहा है। वो जो भागते हैं
चोर के पीछे या वो कोई टेररिस्ट के पीछे, वो ऑफिस से भाग रहा होता है तो उसके पीछे भाग रहे होते हैं, और कैसे एक स्कूटर वाले से लिफ्ट लेनी होती है तो कैसे कि मेरा मंगल, मेरे बीवी का मंगल सूत्र लेके भाग गया है, तो मुझे वो सब सीन्स याद आ रहे थे। तो वैसे ही इन्होंने इसमें भी काफी मतलब उस टाइप के अच्छे सीन जिससे मजेदार बन रही है ये वो किया है। और इसमें मुझे लग रहा है कि ये मेरे ख्याल से छोड़ दिया इन्होंने अपना वो जॉब, और यहाँ पे कोई डेस्क पे कोई जॉब कर रहे हैं एंड मिस कर रहे हैं अपना वो जो अपना फील्ड में जो काम करते थे उसको, और अपने जो फ्रेंड टाइप या कोवर्कर था उन दोनों की जोड़ी भी बड़ी मजेदार थी। तो उसको जब कॉल करते हो पता चलता है कि वो एक्चुअली में इतना एक्साइटिंग थ्रिलिंग काम कर रहा है, तो वो तो बड़ी परेशानी हो रही थी। और साथ में मुझे वो सीन भी बहुत अच्छा लगा कि उसने कहा था क्या शैम बोला था शायद, इट्स ऑल अ शैम या कुछ, तो मीनिंग नहीं पता था तो फोन पे जाके ढूंढ रहे थे भैया क्या मतलब, तो समझ में आओ अच्छा मतलब बोगस हो गई हमारी मैरिज। तो और उसमें जो डॉक्टर, मेरे को लगता है कोई ऐसे थेरेपिस्ट या वो क्या बोलते हैं उनको जो जब मैरिज में प्रॉब्लम हो रही होती है तो वो साइकोलॉजिस्ट कुछ उस टाइप से, तो उसके साथ दोनों बैठे हुए हैं अपनी मैरिज को मतलब सक्सेसफुल करने के लिए, क्योंकि पिछले वाले में ख्याल से दिखा रहे थे कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसकी वजह से शायद जॉब भी छोड़ी होगी। और वो जो बैठा है वहां पे डॉक्टर जी, वो कोट मारा तो इन्होंने भी माशे जी ने कहा मेरे को भी बड़े कोट आते हैं, और क्या महान कोट भेजे मूवियों के बाजीगर कहते हैं। तो एक एक चीज बड़ी मजेदार थी, वो बच्चे के साथ भी जब वो प्ले कर रहा था कहते हैं जोर जोर से नहीं, और वो मेरे को याद है उस पिछले वाले में सीजन में दिखाते थे कि वो इतना बेसुरा था, और उसका फादर जो है वो हमेशा ही दुखी होते थे कि क्या बजाता रहता है, कुछ नहीं पर लगा रहता है बेसुरा बजाता है। तो इसमें भी बड़ा अच्छा कमेंट था कि भाई तू इतनी फूक मत मार, आगे से पीछे से निकल जाएंगे कुछ, तो वो भी बड़ा मजेदार था। फैंटास्टिक है, मेरा तो आई कैन हार्डली वेट, मुझे तो इतनी एक्साइटमेंट हो रही है, पर लकीली इतनी देर नहीं है, जून आने ही वाला है, पर आई विश कि अभी आ जाता, पर वेट करेंगे और जैसे ही आएगा डेफिनेटली देखना है। राइट, काफी अच्छा लगा है, और काफी मेरे ख्याल से हो सकता है उन्होंने कोई डिसिप्लिन ब्रेक किए होंगे तो उनको बोला होगा डेस्क जॉब ले लो, तो हो सकता है उन्होंने गवर्नमेंट ने ही डेस्क जॉब दिया होगा तो डेस्क जॉब कर रहे होंगे, ट्रांसफर किया होगा कि नहीं तुमने यहाँ पे घपले किए डेस्क जॉब के लिए जाओ, तो टेम्परेली मुझे लगा कि हो सकता है अंडर कवर हो, हो सकता है अंडर कवर डेस्क जॉब कर रहे हो, या फिर गवर्नमेंट ने बोला हो कि कई बार होता है कि जब कोई पुलिस वगैरह में जब लफड़े कर देते हैं तो बोलते हैं अब डेस्क जॉब पे जाओ, दो महीने के लिए डेस्क जॉब तुम्हें दिए, वो पनिशमेंट देते हैं कि दो महीने डेस्क जॉब जाओ तो तुम बोर हो गए, तुम्हारा बजेगी फिर तुम वापस आओगे इसी काम में ढंग से करोगे, तो उसी टाइप से बहुत सारे आपने देखे होंगे सीरियल वीरियल जिसमें यही होता है, कोई ना कोई बड़ा जबरदस्त हीरो कोई ना कोई घपले कर देता फिर डेस्क जॉब पे जाता है, रोता पिटता है कि डेस्क जॉब में बैठा क्या मैं कर रहा हूँ रिपोर्ट वही, और दूसरे लोग आते हैं अच्छा कर छोड़ यार मेरे काम ही नहीं है ये, क्योंकि उनको तो पुलिस में जाना है, तो वही मेरे ख्याल से दिखा रहे हैं, मगर काफी एक्साइट। और दूसरा ये साउथ इंडिया में मेरे ख्याल से कुछ ऑपरेशन हो रहा है, तो वो जो लड़की दिखा रहे थे मुझे पता नहीं है कि वो विलन दिखा रहे हैं कि मिली हुई है कुछ गड़बड़ करेगी या अच्छी है, और तो साउथ इंडिया का कुछ दिखा रहे हैं मेरे ख्याल से ऑपरेशन कुछ हो रहा है, हाँ वही जो वी अंडर अटैक, मुझे पता नहीं ये कुछ कनेक्ट करें प्रीवियस हिस्ट्री से जहां पे आपको पता ये ब्लास्ट हुआ था, या फिर मतलब इंडिया की हिस्ट्री में जहां ब्लास्ट हुआ था सदर्न इंडिया में उससे कनेक्ट कर रहे हैं कि कोई नई स्टोरी बनेगी जहां पे सदर्न इंडिया में कुछ हो रहा है, और कैसे वो लेडी का पता नहीं कि वो मतलब मिली हुई है कि वो एक्चुअल है, और काफी गाना भी अच्छा था जिसमें सदर्न इंडिया के लिरिक्स भी फिट किए हैं, तो मुझे रोजा याद आ रही थी उसको सुन के रोजा मूवी जो थी ना इतनी हिट थी हमारे टाइम की, मुझे उसकी म्यूजिक याद आ रहा था, तो काफी अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है सीरियल आने वाला जून, मतलब यही है कि मेरे ख्याल से दो तीन वीक बाद तो देखें, काश नेक्स्ट वीक ही होता, काश कल ही होता, मजा आ जाता, मैं तो अभी बैठ के देख लेती अगर अभी आ रहा था, पर टाइम लगा रहे हैं, पर चलो कोई नहीं। पर मेरे को ये याद आ रहा है कि जो हमने फर्स्ट सीजन में किया था तो उसमें जो टेररिस्ट था याद है, वो जो था वो हॉस्पिटल में भी धोता है फिर हॉस्पिटल से भाग जाता है, फिर वो गैस कहीं इंडस्ट्री में जाके वो गैस कर देता है, वो पूरी सिटी में वो फैल जाती होती है या कुछ, तो मुझे याद नहीं आ रहा उसको एंड में उस सीजन में क्या पकड़ के मार देते हैं कि वो भाग जाते हैं, मुझे इतना याद मर जाता है मुझे याद ही नहीं आ रहा, देखा वही नहीं, मुझे लग रहा था कि शायद इस सीजन में उसको पकड़ेंगे, पर ऐसे लग रहा है अब ये दूसरी नई स्टोरी मेरे ख्याल से वो तो खत्म हो गई, उसमें शायद वो मर गया था, देखा इतना टाइम हो जाता है इन लोगों को जल्दी जल्दी बनाने चाहिए सारे, राइट मेरे ख्याल से कोरोना वायरस की वजह से डिले हो गया होगा, नॉर्मली इतना लेट होना नहीं चाहिए। हाँ तो मैं तो पहले थोड़ा अच्छा होप करते हैं, पहले मैं भी नहीं देखूंगी जब इनका फर्स्ट आएगा एपिसोड, तो उसमें वो अगर पीछे का दिखाएंगे तो ठीक है, अगर नहीं दिखाया शुरू ही कर दिया तो मैं पहले पीछे का थोड़ा रिव्यू करूंगी, कि मुझे याद नहीं आ रहा कि वो मरा कैसे था,
क्या हुआ था, बट जो मेरे मुझे जो सीन्स या अच्छे लगे थे वो मुझे सारे याद है। हाँ, इसीलिए अब जो है नई स्टोरी कर रहे हैं जिससे पुराने आपको फर्क ना पड़े। अच्छा है, वो भी अच्छा है कि अगर पीछे का आपको याद ही नहीं तो फिर आप आगे कैसे करोगे, थोड़ा थोड़ा ही याद है। तो फ्रेंड्स हम तो मैं तो जरूर देखूंगी, हस्बैंड नहीं देखेंगे, मैं देखूंगी। ठीक है, मैं तो नहीं देखूंगा। ठीक है, अगर देखा तो फिर देखना, मुझे पता है सबसे पहले ये बैठेंगे, ये मुझे मैं भूल जाऊंगी और ये बोलेंगे अरे आज तो वो आना है, क्या हुआ। तो अला मैं क्या लगते है कैलेंडर में लगा लेंगे, ठीक है ना, रिमाइंडर लगा लेंगे, आप लोग भी लगा लेना, पता चला जाके देखना है इतने लोग देख रहे हैं कि नहीं। नॉर्मली हम लोग इमीडिएटली, मैं तो बोलूंगा नहीं देखेंगे क्योंकि फिर एक झटके में खत्म हो जाता है वो तो, तो इसलिए ये है कि चार पांच इकट्ठे होने जो फिर नहीं, मेरे ख्याल से सारे इकट्ठे लगाते हैं। अच्छा, अगर इकट्ठे लगा रहे हैं फिर तो आप एक ही दिन दो दिन में खत्म हो जाएंगे। वही तो, अगर सारे इकट्ठे लगा रहे हैं फिर तो अच्छा है, सारे दो दिन में देख लेंगे पूरा, मतलब रात को भी नहीं सोएंगे, नॉन स्टॉप देखेंगे, ठीक है ना। तो रेस लगाएंगे कि आप लोगों ने पहले देखा कि हमने पहले देखा, ठीक है, ये चैलेंज होगा। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।